देखिए आप, आपका इस तरह सवाल आएगा, ही मस्ट डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, शी मस्ट डू हर ड्यूटी हर सेल्फ, आई मस्ट डू माई ड्यूटी माई सेल्फ, और चौथा आपका आता है वन मस्ट डू। तो यहाँ आपका वन से पास्ट ऑफ वन ड्यूटी वन सेल्फ इस तरह सवाल आएगा, वन मस्ट डू वन ड्यूटी वन सेल्फ। जब आपका इसका इंडिकेट करे, सपोज कि मैं अभी आपको इसको और थोड़ा सा इजी करके देता हूँ, चलें ये मैं नीचे वाले काट देता हूँ, जितने ही फार्मूले हैं ये नीचे वाले सारे फार्मूले मैं काट देता हूँ, क्लियर। चलें अब हम इसको बड़ा करते हैं, जैसे आप लोगों को नजर भी आए, ठीक है। काफी बच्चे ग्लासेस पहनते हैं तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको, अब हम इसकी सीरीज बना रहे हैं, नंबर वन नंबर टू, और इन रूल्स को वन टाइम याद कर लें भाई, बाद में नहीं कहना सर ने हमें नहीं बताया, वन टाइम याद कर लें। हाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, चलें। और ये सवाल जरूर आएगा आपका, ये बस आप ध्यान में रख लें, ये सवाल आपका आएगा, चलें। तो अब आप देखें यहां पे हमने क्या लिखा, ही लिखा, तो जब आप यहाँ पे ही लिखेंगे तो नेचुरली यहाँ पे हिज आएगा, ठीक है। जब आप ही लिखेंगे तो आपका हिज आएगा, और अगर आप शी लिखेंगे, यहाँ पे अगर शी लिख रहे हैं तो नेचुरली यहाँ पे आपका हर आएगा, क्योंकि ये शी को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ माए इसलिए लिखा है क्योंकि माए है, अब माए का हमें पता नहीं गर्ल है या बॉय है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है। और अगर आप स्टार्ट में वन लिखेंगे तो उसके साथ भी वन आएगा, लेकिन वन के साथ इस तरह एपोस्ट्रोफी आएगी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो मतलब वन वन लिख के ई के बाद आप एपोस्ट्रोफी देंगे, फिर एस देंगे, वंस ड्यूटी, और यहाँ भी वन सेल्फ लिखेंगे, वन सेल्फ, क्योंकि ये सारा वन को ही मॉडिफाई कर रहा है, और ये ही जो है हिज को और ही को मॉडिफाई कर रहा है, हिम और हर हिज को कर रहा है, ठीक है, और माय इसको माय को कर रहा है, लेकिन वन वन को ही करेगा, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अभी आप गलती नहीं करेंगे कभी भी, आई एम श्योर कि आप नहीं करेंगे अभी, चलें। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया ही लगाया तो ही और हिज और हिम सेल्फ, और शी और हर सेल्फ, आय और माय सेल्फ, और इस तरह यू यू का सेंटेंस आए योर और योर सेल्फ, और योर सेल्फ भी होता है अगर आपका प्लूरल हो, अगर आपका प्लूरल हो दो से ज्यादा हो, एक से ज्यादा दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, तो फिर आप यहाँ पे योर सेल्फ लिखेंगे, ये योर सेल्फ होगा आपका, ठीक है। और अगर आपका यहाँ इट होगा तो इट सेल्फ, यहाँ पे इट्स इट सेल्फ होगा, यहाँ इट इट सेल्फ होगा, ठीक है, चलें। और अगर वन हो तो वन सेल्फ, वन यहाँ देखिए वन वंस वन सेल्फ, यहाँ मैंने अभी आपको सारा बता दिया, सारा क्लियर कर दिया, सारा क्लियर कर दिया, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आते हैं, शुरू से मैं आपको ये चीजें क्लियर करता हूँ। अब देखें, ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो यहाँ हिज आएगा आपका, स्टूडेंट मस्ट डू, यहाँ मस्ट डू स्टूडेंट है, प्लूरल है तो यहाँ इसका देयर आएगा आपका, स्टूडेंट देखें प्लूरल है तो प्लूरल में हमारा क्या आएगा, देयर आएगा, इसको आप नोट करें, यहाँ देयर आएगा क्योंकि स्टूडेंट है। और अगर शी है, यहाँ देखें शी मस्ट परफॉर्म, तीसरे पे आ रहा हूं ना, तीसरे पे आ रहा हूं, शी मस्ट परफॉर्म क्या होगा, परफॉर्म, क्योंकि शी है तो अब आपको समझ आ गया हर आएगा आपका, क्लियर है, अब यहाँ पे हमारा हर आएगा। और दे मस्ट परफॉर्म यहाँ आपका देयर आएगा, क्योंकि ये आपका दे है प्लूरल, चलें। अब यहाँ पे देखें, वन हमने वंस लिखा, वन मस्ट परफॉर्म, यहाँ अभी मैंने आपको बताया था वंस ड्यूटी, क्योंकि ये वन है ना इस वजह से, और दे आर दोज वंस, ये वो लोग हैं, They are those ones who attend my class. They are those ones. यहाँ प्लूरल आपका आएगा इस तरह, A O N E S, इस तरह आएगा ones. I need the blue ones. अब यहाँ प्लूरल की बात कर रहा है, I need the
ब्लू वंस, मुझे आप नीड द ब्लू वंस, और आई नीड द ब्लू पेंस, तो आप कहते हैं आई नीड द ब्लू पेंस या आप कहते हैं आई नीड द ब्लू वंस, आई नीड द ब्लू पेन, आई नीड द ब्लू वन, तो यहाँ ब्लू वन हमें चाहिए, ब्लू पेन भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ ब्लू वन भी कह सकते हैं। आई नीड द ब्लू वन, अब ये प्लूरल को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका प्लूरल है, और ब्लैक, आई नीड द ब्लैक वंस, वो मुझे ब्लैक वाले चाहिए, आई नीड द ब्लैक वंस, आई नीड द ब्लू वन, मतलब एक चाहिए तो ब्लू वन, अगर ज्यादा चाहिए तो ब्लू वंस। इसी तरह आई नीड द रेड वंस, मुझे वो रेड वाली चाहिए, वंस माना वो वाली चाहिए, वो मॉडिफाई कर रहा है। दे आर द बेड वंस, ये वो खराब लोग हैं, दे आर द बेड स्टूडेंट्स या दे आर द बेड वंस, दोनों सेंटेंस सही है। दीज चिल्ड्रेन हमने लिखा आर द नाटी वंस या दीज चिल्ड्रेन आर द नाटी चिल्ड्रेन। देखें एक बात को समझें, एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे चिल्ड्रेन लिखेंगे, यहाँ पे चिल्ड्रेन लिखेंगे ना, दो दो दफा अगर आप एक ही सेंटेंस में चिल्ड्रेन लिखेंगे तो ये इंग्लिश का कपड़ा होता है, तो इस वजह से ये वंस और वन का सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना होता है। तो दो दफा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर वर्किंग, आर चिल्ड्रेन आर डूइंग, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन अजीब लगता है ना, चिल्ड्रेन के बाद हम दे लिखते हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, जैसे हम रशीद इज वर्किंग हार्ड, रशीद इज अ गुड टीचर, रशीद इज अ बेड टीचर, रशीद इज रशीद रशीद, तो अजीब लगेगा ना, तो एक दफा रशीद करेंगे दूसरी दफा ही करेंगे। इसी तरह शी 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 से पहले हम उसका साइमा या कोई भी नाम है, साइमा इज हार्ड वर्किंग गर्ल, तो दोबारा हम साइमा करेंगे तो अजीब लगेगा, तो इस वजह से ये हमें सीखना पड़ता है। इसी तरह चिल्ड्रेन आर द नाटी वंस या चिल्ड्रेन आर द, हाँ प्रोनाउन लगेगा, ये वाला आपका सही नहीं है, ये वाला आपका सही। द चाइल्ड इज द नाटी वन, द चाइल्ड इज द नाटी चाइल्ड, तो ये हमारा अजीब लगता है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। और ये वाला जो वंस है एक दफा का सेंस देता है, ये वाला एक दफा का, वंस आई वेंट टू विलेज एंड मेट सम फ्रेंड्स आउट देयर, वहां पे मिला था वन ऑफ द फ्रेंड्स, उनमें से एक दोस्त वाज हैविंग आर्ग्यूमेंट्स विद मी, I insisted on या insisted on him to avoid having arguments. तो ये basically मैं once wait देखें फरियाल कितनी चालाक है, समझदार ऐसे होते हैं girls, समझदार माशाल्लाह, mature माशाल्लाह, सबकी मदद करने वाली, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हाँ सबकी मदद करती है, मैच्योर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, सबको करे, इनको भी करे, इनको सबको करे कामयाब, सबकी मदद करती है, नोट्स देती है, गाइड करती है, इस तरह होना चाहिए ना भाई, हाँ इस तरह होना चाहिए, रोते ना रहे, जिंदगी जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली, बात को समझें, जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली है भाई, जिंदगी मिली है एंजॉय करने के लिए, रोते ना रहें, काम करें, मिले तो मिले अल्लाह अल्लाह खैर, ना मिले भी खुश रहें, मिले भी खुश रहें, यही जिंदगी है, नहीं मिलता खैर है, आगे देखेंगे, आगे अच्छा मिलेगा, अल्लाह ताला अच्छा देता है, जब आपको नहीं मिलता तो मैं कहता हूँ शुक्र करें, क्योंकि आगे जाके आपको अच्छा मिलता है, रोए नहीं, मुझे नहीं मिला, मतलब नहीं यंग हूँ, अब क्या होगा, मेरा PhD नहीं हुआ, JSD, तो इस तरह ना करें, मैच्योर बने, खैर है, और लिखे फेसबुक पे, लिखे सोशल मीडिया पे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेसफुली फेल्ड, हम लिखते थे अपने दौर में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेसफुली फेल्ड इन द पेपर इन द टेस्ट, लिखते थे हम, आप देखिए हमारी हिस्ट्री है पूरी, खुश होते थे चलो फेल हो गए भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ रोते रहते हैं बच्चे, अब क्या होगा मेरा सर, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा भाई, चले तो आगे चले, हाँ बहादुर बने, आगे काम करना है भाई, मेहनत करनी है बहुत सी, और डोंट वरी, बस रोए नहीं, जिंदगी रोने के लिए थोड़ी मिली है, जिंदगी एंजॉय कर, पढ़ो और खुशी से पढ़ो, सही पढ़ो, मेहनत करो, चले भाई। चिल्ड्रेन हमने लिखा, दीज चिल्ड्रेन आर द नाटी वंस, हमने लिखा नाटी वंस, और यहाँ इसको हम फॉलो नहीं करते, और इस तरह चाइल्ड इज द नाटी वन, इसको हम रिपीट नहीं करते। अब इसमें से मुझे बताएं कि ये किस, इसमें से कौन सी चीज आपको नहीं आती, शाबाश बताएं, एनी लिखा, नीदर लिखा, इधर लिखा, ईच लिखा, बोथ है, वन है,
सम है, मोस्ट है, अ लॉट ऑफ है, मेनी, मोर और मच और ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, वंस वंस वंस, दीज दोज हुच। शाबाश, बताएं इनमें से आपको कौन से नहीं आते। जो नहीं आते वो आपको पढ़ाऊं, जो आते हैं। अच्छा, मेनी मोर क्लियर करूं। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, नीदर नार भी नहीं आता, वंस भी नहीं आता, नीदर नार नहीं आता। काफी बच्चों, काफी नीदर नार वाले हैं भाई, नीदर नार वाले बच्चे काफी हैं। चलें भाई, नीदर नार वालों को पहले चेक करते हैं। चलें, नीदर